लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा पीजीटी टीजीटी से संबंधित एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। आपको ज्ञात होगा केंद्रीय विद्यालय संगठन एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यदि यहाँ पर भी आपका चयन हो जाता है तो आप एक शिक्षा के जगत में एक प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ में हम आपको बताएंगे SJBN लिमिटेड जो कि एक हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भी शिमला में ही स्थित है। तो आप हिमाचल प्रदेश में अप्रेंटिसशिप इंजीनियर के रूप में या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो टेक्नीशियन के रूप में, या फिर आपने कोई ITI किया हुआ है तो भी आप ITI टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की किसी भी छोटी बड़ी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा। इस वेबसाइट में जाकर के आपको बहुत सी ऐसी किताबें मिल जाएगी जो कि आपके विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। तो आप इसी वेबसाइट से स्पेशल डिस्काउंट के साथ में इन किताबों को प्राप्त करें और नियमित रूप से इनकी पढ़ाई भी करते रहें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा PGT जिसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे आपने BEd किया हुआ होना चाहिए और साथ में यदि आपने मास्टर्स डिग्री किया है हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस या फिर बायोटेक में, तो इस तरह की वैकेंसी जो कि ये 12 विषय है इसकी 1409 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। तो आप इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ में आवेदन कर सकते हैं, जल्दी से आप आवेदन कर दीजिएगा। और यही बात यदि हम करें TGT की जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से भी जाना जाता है, TGT बनने के लिए आपने BEd किया हुआ अनिवार्य है। इसके साथ में आपको यहाँ पे कोई भी मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो TGT हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स साइंस PhD आर्ट्स एजुकेशन एंड WE कुल मिलाकर के 3176 TGT के पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। सिंपली आप अपने गूगल में जाइए, वहाँ पे आपको टाइप करना है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KBS रिक्रूटमेंट, वहीं पर जाकर के आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिएगा ताकि समय रहते आपके आवेदन पहुँच जाए। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे SJBN जो कि एक हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का एक संयुक्त उपकरण है, तो यहाँ के लिए भी आप देखिए 8/1/2023 से पहले आपको आवेदन कर देने हैं। हम आपको बताएंगे ये अप्रेंटिसशिप इंजीनियर क्या होते हैं। देखिए यदि आपने BTech का डिग्री किया है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल सिविल आर्किटेक्चर इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल अप्लाइड जियोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ह्यूमन रिसोर्स या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो इसके देखिए 175 पद है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक आपके पास BTech होना चाहिए। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए +2 पास या आपने इसके साथ में फुल टाइम MBA आपने किया है तो आप एलिजिबल है। +2 नहीं, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आप याद रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स के 10 पदों के लिए ग्रेजुएशन कम 2 ईयर्स आपके यहाँ पे फुल टाइम MBA आपने किया हुआ होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी ग्रेजुएट +2 ईयर्स फुल टाइम MBA कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। देखिए अप्रेंटिसशिप इंजीनियर का मतलब होता है जब कोई विद्यार्थी किसी संस्थान से BTech करके निकलता है उसके बाद विभिन्न तरह की जो रेपुटेड कंपनीज होती है वो उन बच्चों को एक स्टिपुलेटेड सैलरी के साथ में, उन्हें ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें वहाँ पर वेतन दिया जाता है, उस वेतन के साथ में कंपनी का इन्वायरमेंट या प्रोफेशनल जीवन में किस तरह से काम किया जाता है उसको सीखने का 1 वर्ष के लिए 6 महीने के लिए इस तरह का अवसर दिया जाता है।
यहाँ पर जो ये कॉल किया गया है SCBN के द्वारा, ये एक वर्ष के लिए किया गया है। और याद रखिएगा SCBN एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। जब आप इस तरह के प्रतिष्ठित संस्थान के साथ में जुड़ जाते हैं तो आप में एक जो वर्क कल्चर होता है उसको समझने की सीख और आप में एक झील पैदा होती है कि आपने भी एक वर्ष तक जब वो काम करना है उसके बाद आप तैयारी करेंगे और अच्छे से इन्हीं सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सी रेगुलर वैकेंसीज भी हमें देखने को मिलती है, उसके लिए भी आप अपनी तैयारी को या अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनी रत्ना ए स्टेट, ये इसका जो दर्जा है SCBN का, मिनी रत्ना शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी है। तो यहाँ पर इसके लिए आप BTech धारक है या फिर आपने MBA किया है तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा यदि आपने फुल टाइम जो डिप्लोमा होता है जैसे मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, आर्किटेक्चर का है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है तो उसके लिए भी 100 पद यहाँ पे एडवर्टाइज्ड किए गए हैं। यदि आपने ITI किया है तो आप ITI टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के रूप में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रीशियन के 100 पदों के लिए ये यहाँ पर देखिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑफिस सेक्रेटरीशिप, स्टेनोग्राफी, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के 5 पद है, फैब्रिकेटर, फिटर या बेल्डर के 10 पद है, मैकेनिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स या जनरल मैकेनिकल के 5 है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर असेंबली एंड मेंटेनेंस के 5 पद है। कुल मिलाकर के 125 पदों के लिए आप ये भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी में और इलाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए सुजेस्ट करती है यदि आपने आने वाले समय में GIT जो पोस्ट कोड 965 है उसकी परीक्षा देनी है तो परीक्षा के अंतिम दिनों में जो ये मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं काफ़ी लाभदायक साबित होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जिस किताब को देख रहे हैं इस किताब में 15 मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 3000 का MCQ क्वेश्चन बैंक है इसका लाभ जरूर आप उठाइएगा। बहुत ही बेहतरीन अध्ययन सामग्री आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी बहुपयोगी किताबें आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के माध्यम से ले सकते हैं और नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।